नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और हम भद्दोवाल टोल पर पहुंचे हैं जहां घासीराम नैन की चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनके साथ लगातार 35 साल कार्य करने वाले चिरा जींद के प्रधान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। राम राम जी। सर आप कहां से आए हैं? मेरा काम गोकड़िया है भाई और जिला जींद है, नाम फौजी खुजान सिंह बूरा है। आप घासीराम नैन के साथ कितने दिन आपने कार्य किया है? 35 साल में घासीराम के साथ चले भाई, मैंने घासीराम के साथ 3-4 बार 5 बार जेल भी काटी, अरे भाई भूख हड़ताल भी काटी दिल्ली, 26 दिन पानी पानी में बैठे थे बिजली वाला रोड़े में। मैं घासीराम ने जनता के लिए बहुत काम किया, पूरी उम्र इसमें अपनी कुर्बानी दे गए जमींदार के लिए। फिर मारे उरे कुछ चौधर के मारे चौधरी थे, उन चौधरी आने का घासीराम की टांग पकड़ के खींचना शुरू कर दी। पूरे न्यू बोले भाई बिला घासीराम चौधरी खड़े थे पाग्या बिला इसने के करा बिला वेखा आपके प्रधान हा भाई घासीराम की बेइज्जती करने लग गई है, घासीराम घर बैठ गया। हा भाई कितने किसान मरे, अरे भाई कितना आंदोलन चला, 1997 से आंदोलन में लग गए थे हमें, 27 साल फौज में सर्विस करी और भाई दो लड़ाई लड़के आए दोनों जीत गए, पूरा किसाना की लड़ाई लड़ी रही अभी जीत करांगे। आज वक्त आ गया है, कितनी जनता आ रही है, बुलाने से भी कोई नहीं आता था, आज कितनी जनता इकट्ठी हो रही है मेरा भाई, मेरे पत्रकार भाइयों, इसने मोदी ने सारा देश खरीद लिया, अरे भाई खरीद तो आप भी रखे हो, मैं ये कहता हूँ हमारी खबर को लगती किसान की क्यों नहीं लगती, पर डर रहे हैं उससे, डर पैदा कर दिया मोदी ने, क्यों कर दिया डर पैदा, ने बोला रहा जो ही वोट पड़ने लग गए बोला 15-15 लाख रुपये देऊंगा, जनता लोम में आ गए, बोली भाई 15-15 लाख रुपये मिलेंगे मोदी ने बढ़ा दो, ये मेरा बचा मोदी ने एक अन्ना नहीं दिया, ये मोदी का फिर खिलाफ होगी जनता, मोदी का फिर खिलाफ होगी, आगे मोदी नहीं आवेगा। पर भाई घासीराम जी ने तो हमारी बड़ी कुर्बानी दी है, कुर्बानी तो हमने भी दी है कदे हमारा भी। तो आज का आंदोलन चल रहा है खापों का, इसमें कितना योगदान है? भाई खापों का योगदान तो पहले भी था, अरीब तो बहुत ज़्यादा है, कोई लोग दिल्ली बैठा है एक साल के करीब हो गया और कोई टोला पे बैठे हैं। मैंने भाई महेंद्र सिंह टिकात के साथ भी काम किया, महेंद्र सिंह टिकात मना करता नु कहा करता वो वाक्य फौजी फौजी है, अरे भाई इसका छोरा आ रहा है, इसका छोरा आ रहा है, मैं तेन कहूँ किसाना का मसीहा है, इसने किसान बचा दिए, नहीं तो किसान बचने वाले। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो आप? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे मोदी इस जमींदार का जवान बॉर्डर पर लड़ा है और जमींदार खेत में लड़े, सारा देश ने पाड़ रहा रो ड्यूटी दे के, पूरे देश ने अपनी रात की ड्यूटी दे, मोदी जी भी सोच ले, नहीं तो आगे तेरा सपड़ा साफ है, तेने गामा में इम भी को नहीं बढ़ देंगे, हमें हरियाणा के अंदर होगा राज हमारा, आवे है कड़िया गामा में कोई आवे है, बिल्कुल नहीं बढ़ देंगे भाई, इतना हमारा काम नहीं बनेगा, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, इतना गामा में नहीं।